अब बिना विलंब के मैच स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल मैच स्टार्ट किया जाए, लेट स्टार्ट द गेम। प्रथम चरण का ये अंतिम मुकाबला है, यहां से 16 टीमें अगले चरण में जाएगी और उसके बाद तीसरा चरण होगा जहां से एक विजेता टीम निकलेगी। अभी तक अच्छी गेंदबाजी भरत व्यास द्वारा, जितेश व्यास हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, अच्छी टाइमिंग है इनके पास। लीजिए एक और शानदार कैच, बड़ा हिट मारने का प्रयास था, बिल्कुल सही निर्णय था उनका, बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे, मैदान के सबसे बड़े एरिया में शॉट मारा, वहां पर फील्डर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की, अच्छा कैच अजय द्वारा, अच्छा कैच। भारत व्यास ने पहली सफलता दिलाई जय श्री महाकाल क्लब को। चक दे पुणे की तरफ से वन डाउन आते हुए मनीष छंगानी। स्कोर कार्ड अपडेट कर देता हूं, अभी तक एक रन एक विकेट के नुकसान पर चकदे पुणे लीग का ये प्रथम चरण का अंतिम मैच, और दोनों ही टीमों के लिए मैच करो या मैच का है, मरो का है, क्योंकि जो भी इसमें से जीतेगा वो अंतिम 16 में जाएगा। और कैच ड्रॉप होता हुआ ललित बोहरा द्वारा, ललित बोहरा को उनकी ही दवाई मिलती हुई, काफी खिंचाई कर रहे थे वो थोड़ी देर पहले क्षेत्ररक्षणों की। हमारे बीच आए हैं विरार के सम्माननीय व्यक्ति, सम्माननीय जननायक जीतू भाई शाह, पुष्करणाओं के प्रति उनका हमेशा से ही दिल रहा है, कोई भी आयोजन हो वो नहीं संकोच, समय पर अपना उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते आए हैं। बस यही आयोजन होते हैं जो दिलों के तारों को हमेशा जोड़ते हैं, समाज का हो एकत्रित करते हैं। पुष्करणा यूथ विंग और मरु भारती का कोटि कोटि धन्यवाद जीतू भाई शाह को, जो अपना कीमती समय लेकर इस आयोजन में आए हैं। उन्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर भारत के हर कोने से पुष्करणा समाज की 24 टीमें आई हैं। प्रेम का संदेश लेकर ये 24 टीमें आई हैं। खेल एक माध्यम बना है जोड़ने का, और यह टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। हर दिन रोमांच से भरपूर था। श्याम भाई जहाँ कहीं भी हो, आपकी उपस्थिति जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास होनी चाहिए। फिर एक बड़ा शॉट, फील्डर नीचे मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं हुई, उम्दा कैच,
उम्दा कैच, बिल्कुल सराहनीय कैच। ऐसे कैच टीम में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। चकदे पुणे की तरफ से हाथ खोलने का प्रयास किया था, करना भी चाहिए, बड़ा टारगेट देना है इन्हें। अगर वो डिफेंड, अगर वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी लिया है तो उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य दिया जाए विपक्षी टीम को। उम्दा कैच गिरीश द्वारा बाउंड्री लाइन पर। जीतू भाई शाह का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विरार में बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं और हमारे समाज को हर समय तन मन धन से सेवा करते हैं। जीतू भाई शाह के लिए जोर से तालियां हो जाएं। धन्यवाद जीतू भाई, तमे अहीं आवीने अमारू मान बधाव्यु एना माटे बहु बहु आभार तमारू। हैट्रिक गेंद के लिए तैयार। हमारे बीच में नारंगी ग्राउंड के नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल नारंगी के महेश जी मांगेला भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा पुष्करणा युद्ध विंग के सभी कार्यकर्ता इनका जोर से तालियों के साथ स्वागत करें। हर समय ये ग्राउंड पे हमें कोई भी असुविधा ना हो इसका ध्यान रखते हैं, बहुत ही अच्छा नेक कार्य करते हैं। समाज के लिए हर समय तत्पर रहने वाले महेश जी मांगेला हमारे। चकदे पुणे का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फिलहाल बेअसर साबित होता हुआ। अच्छा शॉट गैप में मारा है, देखते हैं बॉल बाउंड्री तक पहुंचती है कि नहीं। बिल्कुल दन दनाती हुई गेंद बाउंड्री पार करती हुई। ऐसे ही बड़े शॉट लगाने होंगे अगर आपको बड़ा लक्ष्य देना है विपक्षी टीम को। ललित बोहरा का एक अच्छा ओवर हो जाता अगर यह अंतिम गेंद सही स्लॉट में पड़ जाती। दो विकेट के साथ एक अच्छा प्रेशर क्रिएट किया है विपक्षी टीम पर। स्कोर कार्ड 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उम्दा फील्डिंग कवर अप। दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ धीरे धीरे 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
थ्री हिट मिलता हुआ चकदेपु ने, बिल्कुल प्रेशर हटाना चाहेगी एक बड़े शॉट के साथ। कुछ कमाल नहीं कर पाया इस फ्री हिट का। अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ से बड़ी गेंद फेंकी जसराज ने। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर जहां भी हो यहां पर आ जाए प्लीज। प्रोजेक्टेड स्कोर बताता हुआ 36। तो स्कोर कार्ड अपडेट करता हूं, अभी तक 2 ओवर 3 गेंदों का गेम हो चुका है। चकदे पुणे का स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हल्की सी दिशा भट के अंपायर का इशारा वाइड, 1 रन का इशारा स्कोर बोर्ड में होता हुआ। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ धीरे धीरे 19 रन। जीतू भाई शाह का सम्मान चिन्ह देख के मान करेंगे हमारे दिनेश जी तानवी मरुभारती सेवा संघ के लाइफ मेंबर्स। सर आप स्टेज पे आ जाए प्लीज। अगर स्कोर कार्ड को बढ़ाना है तो आपको 1 रन को 2 में तब्दील करना पड़ेगा, 2 को 4 में 6 में बड़े शॉट लगाने होंगे अगर एक अच्छा लक्ष्य देना चाहते हैं आप विपक्षी टीम को। तो अभी तक कोई बड़े शॉट नहीं दिखे हैं चकदे पुणे की टीम की तरफ से। हेलो, जीतू भाई शाह का सम्मान चिन्ह देंगे मान करेंगे हमारे दिनेश जी थानवी स्वर्गीय राजेश जी थानवी के सुपुत्र भाई। जीतू भाई शाह हर समय पुष्करणा समाज के लिए तत्पर रहने वाले, काशी विश्वनाथ मंदिर में इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। मैं चाहूँगा 2 शब्द जीतू भाई शाह हमारे समाज को संबोधित करें। मरु भारती सेवा संघ पुष्करणा समाज ऑल इंडिया लेवल पे आज यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं, सच बोलूँ तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पुष्करणा समाज विरार में हमारे पिताजी और अप्पा के पिताजी इनके साथ जुड़े हुए लोग थे। जब 1970 में यहाँ पे कुछ नहीं था, 15-20 हज़ार की बस्ती थी विरार की, उस वक्त माधव जी उसके गवाह है, ब्यास जी है और कई बुजुर्ग उसमें से अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे, हो सकता है उनकी आगे की जनरेशन हो, लेकिन 70 और 75 के दरमियान एमबी स्टेट में 2-4 बिल्डिंगें थी जिसके अंदर पुष्करणा समाज के लोग आके बसे थे। हम लोग जब गांव से आते हैं बम्बई में अपना काम धंधा देखने, यहाँ की नौकरियों के लिए, व्यवसाय के लिए, जो भी हो सभी, तो बम्बई में रहना मुश्किल रहता है। ऐसे टाइम पे वसे विरार में ये समाज आके बसा था और वहाँ से हम लोग ने बचपन से देखा हुआ है, क्योंकि हमारे पिताजी और उनके पास हमेशा आते थे सब यहाँ के जो पुष्करणा समाज के लीडर थे कि भाई आज पानी की समस्या है, बारिश में फला समस्या है, मंदिर बनाना है,
तो पूरा समाज जो बरसों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज भी पूरा समाज, उनकी आगे की जनरेशन यानी हम लोग और आपकी आगे की जनरेशन हमारे साथ पिछले 25-30 साल से, चाहे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के हो, यहाँ पे सारे के सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इनका कोई भी काम हो तो बिना बोले प्रायोरिटी से हम लोग ध्यान देते हैं। और आज यहाँ पे मुझे बुलाया क्रिकेट मैच के लिए, तो मैं खुद भी एक क्रिकेट प्लेयर था, इसलिए मुझे तो उसमें ज़्यादा रुचि है। जब ये यहाँ पे खेलने की जगह नहीं थी तो आंदोलन हम लोग ने शुरू किए थे, अप्पा से लेके सब हम लोग क्रिकेटर थे, लेकिन खेतों में खेलते थे, सुबह में खेलो शाम को पैर मोच आ जाती थी, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे टाइम में यहाँ पे यहाँ के ग्रामस्थ मंडल ने आके एक प्रस्ताव रखा, अप्पा ने बोला तुम्ही चालू करा बनवा, बाकी का लागल का अड़चण आली तो मैं आए। लेकिन यहाँ के ग्रामस्थ मंडल ने सही में बाद में जो 22-23 साल मेहनत की है और ये जो ग्राउंड बनाया है, पूरे नारंगी गांव के ग्रामस्थ मंडल की टीम की मेहनत है और जिसकी बदौलत आज हमारे सभी बच्चों को ये खेलने की सुविधा उपलब्ध हुई है। आपके पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी प्लेयर का मैं यहाँ वेरार में स्वागत करता हूँ। बाकी पूरे इंडिया के टीम को यहाँ ला के रखना करना तो काफ़ी व्यवस्था की होगी, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। आज यहाँ मुझे बुलाया, सम्मानित किया, मैं आपके पुष्करणा समाज वसई तालुका के उनका आभारी हूँ। ऑल इंडिया कमेटी जो पुष्करणा समाज की है उनका आभारी हूँ और हमारे लायक इसके आगे भी कभी भी कुछ कार्य रहे तो हमें अवश्य याद कीजिए। इतना ही बोल के आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपने इस तरह हमें संबोधित करके हमारा मान बढ़ाया और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह पुष्करणा समाज में आपका धन मन धन से हमें सहयोग देते रहे हैं। ऐसे हैं हमारे जीतू भाई शाह। धन्यवाद जीतू भाई। स्कोर कार्ड अपडेट दे देता हूं मैं। 4.2 गेंद का गेम हो चुका है, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चकदेपो ने अंतिम 4 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ना चाहेगी स्कोर बोर्ड पर। एक अच्छा शॉट पर वहां पर भी फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चकदेपो ने का स्कोर बढ़ता हुआ 33 की तरफ। अच्छी गेंदबाजी फिलहाल अजय द्वारा, आज चकदेव पुणे द्वारा ज़्यादा बड़े शॉट्स देखने नहीं मिले। आकल आते ही उन्होंने अपने एक हस्ताक्षर दिए थे, जितेश ने उम्दा शॉट दिखाए थे। हल्की सी दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट, एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ धीरे धीरे 34। चकदेव पुणे आपको 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन निकालने होंगे अगर वो स्कोर कार्ड को एक अच्छा लक्ष्य देना चाहते हैं। लंकाधिपति लंकाधिपति और ब्लैक पैंथर के कप्तान स्टेज के आगे आ जाएं। अब ये नॉकआउट राउंड चालू हो जाएगा क्वालिफाई के लिए। इस मैच के बाद में क्वालिफाई के लिए राउंड चालू हो जाएगा, नॉकआउट राउंड, ब्लैक पैंथर्स वर्सेस लंकाधिपति, पहला क्वालिफाई मैच जिसके मैच के बाद चालू होने वाला है। दोनों कप्तान यहां पर आ जाएं, ब्लैक पैंथर्स और लंकाधिपति के दोनों कप्तान स्टेज के यहां पर आ जाएं। भाई
स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 39 रन, अभी भी एक गेंद का गेम शेष, एक बड़ा शॉट, सम्मानजनक स्कोर स्कोर बोर्ड पर। मैच करो या मरो का मैच है ये, अगले चरण में जाने के लिए दोनों टीमें अपना पूरा 100% देगी। दिशा से भटकते हुए अजय, ब्लैक पैंथर कैप्टन आइए स्टेज पे आ जाइए प्लीज। जीतू भाई शाह 2 मिनट स्टेज पर पधारी ने आनु टॉस करावी आपीए। जीतू भाई शाह प्लीज स्टेज पर पधारो। विशाल चांडा जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी स्टेज पे आ जाए। मरुभारती सेवा संघ के जॉइंट सेक्रेटरी सब छोटे। कैच किसने पकड़ा नाम बताएं प्लीज। आज तक की 24 साल की कमेटी के अंदर सबसे छोटे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे विशाल जी चांडा, हमारे ट्रस्टी किशोर जी चांडा के सुपुत्र हैं। ब्लैक पैंथर का टारगेट दिया है जयश्री महाकला क्लब। पहला क्लब पहला क्वालिफाई मैच का टॉस ब्लैक पैंथर वर्सेस लंकाधिपति, जोर से तालियां हो जाए। नॉकआउट राउंड है, यहां से जो जीता वो आगे। हेड टॉस, एक मिनट टॉस जीता लंकाधिपति ने, लंकाधिपति ने टॉस जीत गए हैं। डिसीजन अभी तक पेंडिंग है अपने स्पॉन्सर्ड, अपने कोच एडवाइजर सब कमेटियां बनी हुई हैं। यहाँ पर सभी टीमों ने अपनी प्रोफेशनल कमेटियां बनाई हैं, उससे डिस्कशन करके बाद में वो अपना डिसीजन देंगे। बड़ा ही प्रोफेशनल क्रिकेट किया जा रहा है यहाँ पर, बट एक ही बात है, सबका ध्येय एक ही है, जीतेगा तो सिर्फ हमारा भाई, और वो है भाई हमारा पुष्करणा समाज, पुष्करणा ब्राह्मण जहाँ भी रहता है अपना दमखम बनाए रखता है। और इसी के बीच हमारे आपके एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो भी खाने पीने की जो व्यवस्था रखी गई है, आप देखिए सब जगह जहाँ भी जाते हैं पहले मेहमान बनते हैं तो पहले क्या करते हैं, क्या खाना बनाया है, और खाना जब अच्छा बनता है तब प्रोग्राम की शोभा बढ़ती है। और खाना बनाने वाले हैं हमारे फलोदी के दिनेश जी जोशी, जिसे प्यार से एकॉन बोलते हैं। जोर से तालियां हो जाए दिनेश जी जोशी एकॉन के लिए। उन्होंने पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से खाना और नाश्ता चाय पानी, आप लोगों को इस गर्मी की तकलीफ में कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी है। फलोदी से पूरी टीम लेके आए हैं मुंबई में अपना अच्छी तरह से, और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हम लोगों का जो तृप्त किया है। भगवान इनको आगे और भी, लटियाल माँ इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है कौन मलिंगा का। मैं चाहता हूं कि एकॉन 2 मिनट हेलो मैच चालू कीजिए फटाफट, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैच चालू कीजिए, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर स्कोरर के पास आ जाएं, अन्यथा नहीं तो हमें 5 रन पेनल्टी दे दी जाएगी। पूना 11 चकदे पुणे का एक प्लेयर स्कोरर के पास आ जाए, चकदे पुणे का एक प्लेयर स्कोरर के पास आ जाए प्लीज।
जय श्री महाकाल का एक प्लेयर ओके इस टूर्नामेंट में सभी जगह के पुष्करणा भाई आए हुए हैं। 12/5 को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हमने हनुमान चालीसा का भी एक प्रोग्राम रखा है और आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद में हनुमान जी को भोग चढ़ाया जाएगा और आप सभी की अनुपस्थिति अनिवार्य है। कैचेस पकड़ने होंगे चकदे पुणे टीम को अगर वह ये लक्ष्य को डिफेंड करना चाहते हैं। 41 का लक्ष्य दिया है उन्होंने जय श्री महाकाल क्लब को। अभी तक 5 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक रोमांचक मैच देखने मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तक बात करें तो 5 गेंदे फेंकी है ऋतिक व्यास ने, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को।
अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर का 6 रन 35 रनों की और आवश्यकता। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों की और आवश्यकता। 24 गेंदे से चकदे पुणे बिल्कुल बिल्कुल ये स्कोर डिफेंड करना चाहेगी, वहीं जय श्री महाकाल क्लब बिल्कुल टारगेट अचीव करना चाहेगी। एक और उम्दा शॉट खिलाड़ी मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा खिलाड़ी को। इसी तरह स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक जबरदस्त गेम की उम्मीद लिए दर्शक दीर्घा बैठी है। अच्छा क्रिकेट देखने के लिए क्रिकेट दर्शक दीर्घा मौजूद, बड़ी दूर से आए हैं सभी आए हुए मेहमानों का अतिथि का पुष्करणा यूथ विंग एवं मरु भारतीय सेवा संघ हार्दिक स्वागत करता है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, सब जगह से अपील होती हुई अंपायर ने नकारा। एक अच्छी गेंद पुचक दे पुणे के खाते में आती हुई, हर एक डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करेगा। लीजिए एक बड़ा शॉट, फिर कैच छूटा, नहीं भाई आपको कैचे लपकनी होगी, मौके एक भी नहीं गवाने होंगे अगर आपको मैच में बना रहना है, एक अच्छा दमखम दिखाना है आपको कैचे पकड़नी होगी, अन्यथा मैच फिसलता जाएगा आपके हाथ से। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, सही टाइमिंग सही जज नहीं कर पाए, जिसका फायदा भी नहीं उठा पाए चकदे पुणे के फील्डर। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ धीरे धीरे 8 रन की तरफ, अभी भी 33 रनों की आवश्यकता, 33 रन्स नीडेड इन 21 बॉल्स। एक उत्साह से भरी अपील थी विकेट कीपर द्वारा, पर यहां पर अंपायर तटस्थ, अपने निर्णय से तटस्थ, व्हाइट का इशारा देते हुए अपील में उत्साह ज्यादा था पर विश्वास कम नजर आ रहा था, और जिसका यह परिणाम व्हाइट में परिवर्तित होती हुई गेंद। उम्दा फील्डिंग, ऐसी ही फील्डिंग दिखानी होगी, कैचेस लपकने होंगे, मौके बनाने होंगे आपको अगर आपको यह मैच जीतना है तो चकदे पुणे वहीं जय श्री महाकाल क्लब, यह रिदम बिल्कुल नहीं खोना चाहेगी। उम्दा गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए गेंद को, अभी तक इनका एक भी विकेट न खोने का इरादा लग रहा है विकेट को बचाते हुए जय श्री महाकाल क्लब। खराब गेंद, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद सीमा रेखा के पास 4 रन पर जाती हुई, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ जय श्री महाकाल क्लब का। स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ जय श्री महाकाल क्लब का 15 रन, अभी भी ओवर की अंतिम गेंद बाकी। फ्री हिट बोनस
बोनस फॉर फ्रीट का पूरा फायदा उठाया, गेंद पहुंचाई सीमा रेखा के पार, 6 रन। रनों की और आवश्यकता, 18 गेंदे शेष, मैच रोमांच बढ़ता हुआ, एक अच्छा ओवर, गेम कैसे पलटता है आपने देखा, कभी मैच किस जोली में जाता है तो कभी किस जोली में चला जाता है, यही रोमांच होता है छोटे फॉर्मेट के मैचेस का, देखते ही बनता है उत्साह। देखिए ये जो मोमेंटम बन रहा है इसे कायम रखना चाहेगी जयश्री महाकाल क्लब, वहीं पुणे वॉरियर्स डॉट बॉल्स के द्वारा, विकेट के द्वारा फिर से मैच में आना चाहेगी। अभी भी गेम दोनों तरफ बराबरी का, यॉर्कर डालने का प्रयास था, फुल टॉस बनाया बल्लेबाज ने, 2 रन का मौका था, हेलो हेलो हेलो, जिसे नहीं बुना पाए, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 19 रनों की और आवश्यकता, 17 गेंदे शेष, उम्दा शॉट पर फील्डर मौजूद, बड़ा हिट मारने का प्रयास था, मोमेंटम कायम रखने का प्रयास था, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहां आपको 1 को 2 में तब्दील करने पड़ेंगे। अच्छी वापसी की है चकदे पुणे ने, फील्डर मौजूद, इस बार बिल्कुल गलती नहीं की चकदे पुणे के फील्डर्स ने, अच्छा कैच पकड़ा डीजे, रनों की और आवश्यकता, 15 गेंदे शेष, स्कोर कार्ड फिलहाल 2 ओवर और 3 गेंदों का गेम हो चुका है, 23 रन जय श्री महाकाल क्लब के। शैलेश स्थान भी आए हैं 1 डाउन में, लंका अधिपति के कैप्टन आकाश जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाएं जल्द से जल्द। अभी 17 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदे शेष, फुल टॉस बनाया, गेंद काफी ऊपर गई, मिस टाइम हुए, फील्डर तालमेल में गड़बड़ी, फील्डरों के एक आसान सा मौका गवाया, बिल्कुल नहीं चलेगा चकदे पुणे, आपको मैच में बनना है तो ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी होगी, बिल्कुल नहीं दोहरानी होगी। अभी तक जय श्री महाकाल क्लब के लिए गिरीश पुरोहित ने उम्दा बल्लेबाजी की है, दोनों टीमें पूरा जोर लगा रही है अगले राउंड में आने के लिए, अपना 100 नहीं 200% दे रही है,
गलतियां होगी, गलतियां बुनाई भी जाएगी। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। आए हुए सभी मेहमानों का, अतिथियों का पुष्करणा यूथ विंग मरु भारती सेवा संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपकी उपस्थिति वंदनीय है, आपकी हौसला अफजाई हकीकत में सराहनीय है। हर एक खिलाड़ियों के लिए एक उत्साह का माहौल बनता है, जबरदस्त आयोजन होता हुआ, सब कुछ यहाँ पर खिलखिलाते चेहरे, प्यारा मैदान, YouTube लाइव, घर बैठे दर्शक दीर्घा, सब कुछ रोमांचित। क्रिकेट अपने रोमांच पर। चौदह रनों की आवश्यकता, 12 गंदे शेष। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रूम नहीं देना होगा गिरीश पुरोहित, उम्दा बल्लेबाजी, खराब गेंद। अच्छा कमबैक, अच्छा कमबैक, यस चड्डे पुणे, आपको ऐसा ही कुछ खेल दिखाना होगा। खराब गेंद बिल्कुल नहीं, फ्री हिट का इशारा। शानदार शॉट, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए, गेंद पहुंचाते हुए सीमा रेखा के पार, 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी गिरीश द्वारा। यहाँ पर एक उम्दा मैच, आखिर में विजय हुई जय श्री महाकाल क्लब की, जबरदस्त जीत देखने को मिली। चकदेव पुणे ने अपना पूरा प्रयास किया, अच्छा क्रिकेट स्पिरिट दिखाया। మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా